الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. अल्लाह ताला दी हमद सना और अल्लाह ताला दे महबूब आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम आप दी बारगाह अकदस विच हदिया है दुरूद व सलाम पेश करन के बाद दुआ है अल्लाह खालिक़े कायनात हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए, सुन के सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आज दे खुतबा जुमा तो मुबारक का मौजू है अज़ाबे कबर दा इस बात अल कुरान मजीद फुरकान हमीद। बहुत सारे ऐसे लोग ने जेड़े ये कहते ने कि अज़ाबे कबर दा जिक्र कुरान पाक च नहीं आया, तो उन्होंने वास्ते भी कुरान मजीद की फुरकान हमीद की तकरीबन 13 आयात ऐसिया इंशाल्लाह सामने पेश करांगे जिन्हां दे विच अल्लाह ताला ने कबर दे अज़ाब दा और कबर दे हालात दा जिक्र फरमाया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं ने कि जेड़े कहंदे ने कि असी चूंकि मुसलमान हाँ, असी कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए हाँ, होर असी जो मर्जी करिए सानू अज़ाब नहीं हो सकता। तो ये भी उन्होंने वहम है, उन्होंने माद ख्याल है, हकीकत के नाल इसका कोई ताल्लुक नहीं। और ये जरा अकीदा है कि जेड़ा बंदा ये आखे कि चूंकि मैं हजूर का उमती हाँ
और मैं मुसलमान हाँ, कलमा पढ़ लिया है, हुण मेरा अजाब दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। और फिर काम वो करे जेड़े अजाब वाले ने, और नाल उन्ती बन के अपने आप को खुद ही आजाद समझे। तो ये जेड़ा अकीदा है ये यहूदियों का और ईसाइयों का अकीदा है। तो यहूदी ये कहते सन और ईसाई ये कहते सन कि असी चूंकि अल्लाह ताला के अजीम नबियों नू मनन वाले हाँ, और साढ़े को जो किताबा ने वो भी अजीम ने, लिहाजा असी जो मर्जी करिए सानू कोई कुछ फरीद नहीं होएगी। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने वादे फरमाया कि तुहाडा ख्याल है, हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि कबर में जाके तुहाडे अमलों का हिसाब लिया जाएगा। जैसे तुहाडे आमाल होणगे वैसा ही तुहाडे नाल अल्लाह ताला की तरफों मुआमला किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकाने हमीद की ऐसी आयात बयान फरमाइया जिन्हां विच अल्लाह ताला ने अजाब कबर का वाज़े जिक्र फरमाया। और वो लोग जिहड़े कहते हैं कि कुरान पाक में अजाब कबर का जिक्र नहीं, उन्होंने वास्ते भी ये मवाद मिल जाएगा। और जिहड़े लोग ये कहते हैं कि चूंकि असी ईमान वाले हाँ लिहाजा असी अजाब तो बच जावांगे, असी हजूर दे मनन वाले हाँ, तो उन्हां दे सामने इंशाला आखिर ते दो चार हदीसा बयान करांगे जिन्हां नूं सुनन तो बाद जिन्हां दे ज़हन दे विच ख्याल है कि असी उम्मती बन के छुट जावांगे और सानू कोई पुछे दसेगा नहीं, उन्हां दा जिहड़ा ख्याल है वह भी दिमाग दे विचों निकल जाएगा। तो खालके कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फरमाया वलौ तरा इज़्ज़ालिमून फी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अख़रिजू अन्फुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ। فرمایا اگر تو ویکھ لوے جدو ظالم دے موت دا وقت قریب آوے، موت آخری وقت آ جاوے اور ظالم دی موت دے وقت تو قریب ہوے، تو ویکھ لوے تینو نظر آ جاوے اوندے نال کی ہوندا ہے۔ خال کے کائنات نے فرمایا بل ملائکہ باسطو ایدہم، اللہ تعالیٰ دے فرشتے اندے کول آ کے کھڑے ہو جاندے نے اور انو آ کے کہندے نے اخرجو انفسکم، فرشتے اپنے ہاتھ اندے وال پھیلا کے کہندے نے اپنی جان نکال دے، اپنی جان پیش کر دے کیونکہ اج تیرا وقت ختم ہو گیا، آج تو دنیا دے جو کچھ کرنا سی کر لیا، تیرا وقت ختم ہو گیا۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج دے دن تینو سخت عذاب دیتا جائے گا، تیریاں گلاں دی وجہ دنال، تیرے تکبر دی وجہ دنال، اللہ تعالیٰ دی آیتاں دا انکار کرن دی وجہ دنال تینو عذاب دیتا جائے گا۔ جدو انسان دے موت وقت قریب آیا، फरिश्तियां ने जान निकाल ले، जान निकालन दे नाल कह रहे ने तेनु अज ही अजाब होवेगा، तेनु अज ही अजाब मिलना है، तेनु अज ही सजा मिलेगी۔ पता चलिया मरण तो बाद इंसान जिथे भी चला जाए، अगर वो जल के खाक हो जाए، अगर पानी में डुब के मर जाए، अगर जानवरों की पेट की खुराक बन जाए، अगर कोई उसको गुसल दे के कफन दे के जमीन में दफन करके कब्र बना देवे، अगर वो कब्र में चला जाए उनकी वो कब्र है، अगर किसी जानवर के पेट में चला जाए उसकी कब्र है، अगर किसी को जला दिता जाए उनकी राख किथे डाली जाएगी उसकी कब्र है، उनके वास्ते आलमे बरज़ख है، अगर नेक है अल्लाह ताला उसको जज़ामा देगा، अगर गुनाहगार है، अगर जालिम है उसको सज़ा मिलेगी۔ फरिश्तियां ने दसिया
मरण तो बाद जेड़ा जहान शुरू होता है उस जहान नु आलमे बर्दाख आख्या जाता है। सात लफ्जां विच उस नु कब्र आख्या जाता है। फरमाया जे तू दुनिया तू जाएगा कब्र दाखिल होएगा तैनू अल्लाह दे अज़ाब दा सामना करना पड़ेगा। और खालिक़े कायनात ने दूसरे मकाम ते इरशाद फरमाया हल्के कायनात ने इरशाद फरमाया फरमाया वला तकूलो लिमन युक्तलो फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशूरून। फरमाया ओ लोग जेड़े अल्लाह दे रस्ते में शहीद कर दिते जान जेड़े अल्लाह ताला दी रज़ा दे वास्ते अल्लाह ताला दे रस्ते दे विच चलदे आया अपनी जान दा नजराना पेश कर देन फरमाया उन्हां नूं मुर्दा ना आखी ओ जिंदा ने उन्हां दी जिंदगी नूं तू जानदा नहीं है। अब जेड़ा मरिया नहीं जिन्हों अल्लाह ने फरमाया ए जिंदा है ए जावेद है। दूसरे मकाम दे फरमाया वला तहसबन अल्लदीना कुतिलो फी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। फरमाया जेड़े अल्लाह दे रस्ते विच अपनियां जाना दे देन उन्हां नूं मुर्दे गुमान ना करी ओ अल्लाह ताला दी बारगाह विच जिंदा ने और अल्लाह उन्हां नूं रिज़क अता करदा है। अब जेड़ा फौत हो जावे जेड़ा शहीद हो जाए असा शहीद नूं कब्र विच दाखिल कर देने आ कब्र विच दफन कर देने आ। खालिक़े कायनात ने फरमाया है वह कब्र वे दुआड़ियां नजरां विच मुर्दा है लेकिन हकीकत विच ओ जिंदा है। असा उसनू जिंदगी अता फरमा दिती असी उसनू रिजक अता करने आ साबित होया। कब्र विच इंसान नू अल्लाह ताला जिंदा भी रख सकता है अल्लाह ताला उसनू रिजक भी दे सकता है अल्लाह ताला उसनू इनाम दे नाल नवाज भी सकता है अल्लाह ताला अपनियां रहमतां भी अता फरमा सकता है अल्लाह ताला अपना फजल भी फरमा सकता है। फरमाया फरीना बिमा आताहुमुल्लाह मिन फदलिही जेड़ा अल्लाह ताला उन्हां नूं कब्रां विच अपना फजल अता करता है अपनियां नेमतां अता करता है अपना करम फरमांदा है मेहरबानी फरमांदा है उन्हां दीआं कब्रां विच अल्लाह ताला उन्हां नूं नेमतां देंदा है उन्हां नूं वेख के ओह खुश हुंदे ने अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करते ने। यहां तक फरमाया कब्रां विच खुश नहीं होंदे वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जेड़े दुनिया ते रह जांदे ने जेड़े उन्हां दे पिछे रह गए ने अजे दुनिया नूं छोड़ के नहीं आए उन्हां नूं जाके खुशखबरियां देंदे ने उन्हां नूं भी जाके दसदे ने ईमान वाले ओ परेशान ना होवो अगर दुनिया ते कोई परेशानी आवे अगर दुनिया ते कोई मुसीबत आ जाए अगर दुनिया ते कोई इम्तिहान आ जाए परेशान ना होया जे अल्लाह ताला दी बारगाह विच ऐसियां जज़ावां ने अल्लाह ताला ने ऐसे इनामात रखे ने अल्लाह ताला ने ऐसे कमालात रखे ने। फरमाया ना कोई खौफ है ना उते कोई गम है। फरमाया फरहीना बिमा आताहुमुल्लाह मिन फदलिही अल्लाह ताला दे फजल दे नाल खुश भी होंदे ने और अपने साथियां नूं खुशखबरियां भी देंदे ने। पता चलिया अल्लाह ने कब्रां विच भी एक जहान आबाद फरमाया इंसान दुनिया तो जाएगा दुनिया दे जान तो बाद भी अल्लाह ताला ने कैसा जहान रखिया है एक ऐसी दुनिया कायम फरमाई है कब्र विच भी अल्लाह ताला जिसनू चाहेगा उसनू अज़ाब देवेगा अल्लाह ताला जिसनू चाहेगा अल्लाह ताला अपनियां रहमतां दे नाल नवाजेगा। खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरा यासीन शरीफ दे विच खालिक़े कायनात ने हजरत हबीब नज्जार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उन्हां दा
जिक्र फरमाया एक ऐसा अल्लाह ताला दा नेक बंदा जिसने अल्लाह दे नबियां ते ईमान लियांदा पहलियां नबियां ते ईमान लियांदा हल्के कायनात ने फरमाया वादरे बलाहुम मसलन अस्हाबल करिया इज जा अहल मुरसलूना इज अरसलना इलैहिम उस्नैन फकज्जबूहुमा फअज्जजना बिसालिसिन फकालू इन्ना इलैकुम मुरसलूना अल्लाह ने एक बस्ती है उस बस्ती दे वल दो नबियां नु भेजिया उन्होंने उहदा इनकार कर दिता हल्के कायनात ने तीसरा भेजिया उन्होंने तीसरे दे नाल इज्जत अता फरमाए शान शौकत अता फरमाए वह अल्लाह की तबलीग कर रहे ने और तबलीग दे वास्ते जो आ रहे ने रस्ते विच एक बंदा वेख्या जिहड़ा कोर दा मरीज है उसनू इस्लाम की दावत दित्ती कहिंदा तुहाडा अल्लाह की करेगा अगर मैं उन्हें दे ईमान लियावां फरमाया साडा अल्लाह तैनू शिफा दे देवेगा उन्होंने कलमा पढ़िया अल्लाह ने शिफा ता फरमा दी अब ए अल्लाह दे नबी इस बस्ती नू अल्लाह दी दावत दे रहे ने अल्लाह ताला दे दीन वल बुला रहे ने लोग उन्हां दा इनकार कर रहे ने ते आदमी आके खड़ा हो गया वजा अमिन अक्सल मदीना ते रज रयस आ قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اپنے بستی والوں نو آ کے کہندا ہے لوگو اے اللہ تعالی دے سچے رسول نے انہاں تے ایمان لے آو انہاں تے ایمان لیاؤ انہاں دی فرما برداری کرو انہاں دی تابع داری کرو تسی کامیاب ہو جاؤ گے میں تا اللہ تے ایمان لے آیا واں میں نہ رسولاں تے وی ایمان لے آیا واں انہاں نو غصہ آ گیا او سارے بستی والیاں نے پکڑیا اس بندے نو مارنا شروع کر دتا اس نو پیٹنا شروع کر دتا اتنا ماریا मार मार के उसनू धोया कर दिता फिर भी नहीं छोड़िया यहां तक फरमाया गया उस बंदे दी उन्होंने मार मार के गर्दन धड़ना नू जुदा कर दिती है जदे उनका सर धड़ना नू जुदा होया उनकी मौत वाके हो गई है हल्के कायनात ने फरमाया कील अदखुल जन्ना हल्के कायनात ने फरमाया ए बंदे आ मेरी जन्नत विच दाखिल हो जा पता चलिया कबरां नू अल्लाह चाहे जन्नत बना देवे अगर चाहे अल्लाह कबरां नू दोज़ख बना देवे खालके कायनात ने फरमाया ऐ बंदे तू मेरे वास्ते मेरी रजा दे वास्ते मेरे रसूलां दी ताबेदारी करदे होए अपनी जान दित्ती है तीला दुखुल जन्ना फरमाया ऐ मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा अब वो बंदा दुनिया तू चला गया अल्लाह ने उनकी कबर नू उनके वास्ते जन्नत बना दिता जदों अल्लाह दी नेमतां नू वेखिया अल्लाह दे फजल नू वेखिया अल्लाह ताला दे इनामात नू वेखिया अल्लाह ताला दे इकराम नू वेखिया दिल च हसरत पैदा हो गई दिल च ख्याल पैदा होया अर्ज़ करदा काल या लईत कौमी या लमूना बिमा गफर ली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन काश मेरी कौम वाले भी जान लेंदे काश मेरी कौम वालों नू पता चल जांदा उन्होंने भी अल्लाह ताला ये भी खा देंदा अल्लाह ने किने मेरी बख्शिश फरमाई है अल्लाह ने मैनू किमें इज्जतां दित्तियां ने अल्लाह ने मैनू किमें शाना दित्तियां ने काश वो भी जान लेंदे अगर उन्होंने पता चल जांदा मरण तो बाद कबरे च जान तो बाद अल्लाह ताला कबरां नू जन्नत बना देंदा है अल्लाह किमें इनाम देंदा है अल्लाह किमें इकराम देंदा है काश वी मुसलमान हो जांदे खालके कायनात ने फरमाया जे तो अल्लाह दे ओ बंदे अल्लाह दे फजल नू वेंदे ने वयस्तबशिरूना बिललजीना लम यलहक बिहिम मिन खल्फिहिम फिर ओ जड़े रह जांदे ने उन्हां नू आके खुशखबरियां देंदे ने उन्हां नू आके कहंदे ने अल्लाह खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून आय अल्लाह ताला दे नेक बंदे ओ परेशान ना होया जे अपना ईमान बचा के रखिया जे अगर अपना ईमान बचा के रखोगे अल्लाह ताला तुहानू इनाम देवेगा
करेगा, लेकिन जिन्हां ने अपना ईमान ना बचाया, जेड़े अपना ईमान ना बचा सके, जिन्हां दे दिल च कुफर आ गया, जिन्हां दे दिल च मुनाफकत आ गई, जिन्हां ने कुफर पसंद किया, जेड़े मुनाफिक बन गए, उन्हां दे नाल फिर की होंदा है? हल्के कायनात ने उन्हां दा जिक्र फरमाया, फरमाया वा मिम्मन हौलकुम मिनल आराबे मुनाफिकूना वा मिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाते ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम सनुअतिबुहुम मर्रतैनि थुम्म युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। हल्के कायनात ने अपने महबूब अलैहि सलाम नु मुखातिब फरमाया, फरमाया ऐ मेरे हबीब, जेड़े तुहाडे इर्द गिर्द कुछ देहाती लोग रहिंदे ने, इन्हां विचों भी कई लोग मुनाफिक ने, और जेड़े तुहाडे कोल होर रहिंदे ने अहले मदीना दे विचों भी कई लोग मुनाफिक ने, मारदू अलन निफाक अपने निफाक नू अपनी मुनाफकत नू बड़ा छुपा के रखिया होया है। ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम, फरमाया मेरे हबीब मैं इन्हां नू जानना वा केड़े केड़े मुनाफिक ने। हल्के कायनात ने फरमाया मुनाफिक ने मैं इन्हां नाल की करांगा, फरमाया सानू अज़ाबुहुम मर्रतैनि मैं इन्हां नू दो अज़ाब देंगा, दोहरा अज़ाब देवांगा, मर्रतैनि दो वारी अज़ाब देवांगा। अब दो वारी का केड़ा अज़ाब है? हल्के कायनात ने फरमाया सानू अज़ाबुहुम मर्रतैनि मैं उन्हां नू दो वारी अज़ाब देंगा, थुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम फिर उन्हां नू मैं अपने सख्त अज़ाब वल बुलावांगा। इस आयत विच अल्लाह ने तीन अज़ाबां दा जिक्र फरमाया, फरमाया ए मुनाफिक ने मुनाफका नू मैं सज़ा देंगा, पहले दोहरा अज़ाब देंगा। वो केड़े अज़ाब ने? पहला अज़ाब वो है जिहड़ा दुनिया ते अल्लाह देवेगा, दूसरा अज़ाब वो वे जिहड़ा अल्लाह कबर विच देवेगा, और तीसरा अज़ाब वो वे जिहड़ा अल्लाह ने कयामत नू देना है। साबित होया अल्लाह ताला ने कबरां विच भी जिन्हां नू चाहेगा अज़ाब देवेगा, जिन्हां नू चाहेगा उन्हां नू जज़ावां देवेगा, जिन्हां नू चाहेगा दुनिया ते वे अपने अज़ाब विच मुबतला कर देवेगा, जिन्हां नू चाहेगा जिन्हां दे ईमान कामिल होणगे, जिन्हां ने अपने ईमान बचा के रखे अल्लाह उन्हां नू अपने अज़ाब तू महफूज फरमाएगा। हल्के कायनात ने एक और मकाम ते इरशाद फरमाया, फरमाया वलौ तरा इज यतवफ्फल लज़ीना कफरुल मलाइकतु यद्रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। अगर तुसी वेखो काफरां नूं जदों काफरां दी रूह कब्ज़ कीती जा रही होंदी है, जदों फरिश्ते काफरां दे कोल आंदे ने और उन्हां दी रूह निकालदे ने, फिर फरिश्ते की करदे ने? फरमाया यद्रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते उन्हां दे चेहरियां ते मारदे ने, गर्ज़ा मारदे ने, फरिश्ते उन्हां दीआं पीठां ते मारदे ने, उन्हां नू मारदे ने, नाल कहंदे ने वज़ूकू अज़ाब अल हरीक, हुण चखो अल्लाह दे अज़ाब दा मज़ा। ख्याल आया कि अज़ाब क्यों मिल रहा है? फरिश्ते दसदे ने ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्न अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। ए ख्याल ना करनी शायद मेरे नाल ज़ुल्म हो रहा है, ए ना सोची मेरे नाल ज़्यादती हो रही है, ए ना सोची अल्लाह अपने बंदियां ते ज़ुल्म करदा है, ऐसा हरगिज़ ना सोची। फरमाया ए तैनू तां सज़ा मिल रही है जो करता रहा है, जैसे अमल कीते नहीं, जो अमल करके अगां भेजता रहा है उन्हां अमलां दा तैनू बदला मिल रहा है, उन्हां अमलां दा तैनू सिला मिल रहा है।
दूसरे मकाम दे फरमाया फकैफा इजा तवफ्फतहुमुल मलाइकातु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। फरमाया तो कैसा आलम होएगा जदों फरिश्ते काफरां दियां जानां कढ़णगे उन्हां दे चेहरियां ते मारणगे और उन्हां दियां पीठां ते मारणगे और साथ आखणगे अल्लाह किसे ते ज़ुल्म नहीं करदा, अगर तुहानूं सज़ा मिल रही है तुहाडे अमाल दी वजह दे नाल मिल रही है। कुछ लोग ये कहंदे ने अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, अल्लाह ताला 70 मावां तो ज्यादा प्यार करता है, फिर अल्लाह अपने बंदे नू किवें सजा देवेगा, अल्लाह अपने बंदे नू किवें अजाब देवेगा। ये साडा ख्याल है, ये साडा वहम है, ये शैतानी वसवसा है। अगर तुसी वेखो अपनी जिंदगी विच, अपने हयात विच वेखो, अपने मामलात दे विच वेखो, मावां बच्चियां नू मारदियां ने कि नहीं मारदियां, बच्चा गलत काम करे मां मार दिए, बच्चा मां दी आखे ना लगे मां फिर भी मार दिए, बच्चा मां दी ना फरमानी करे मां फिर भी मार दिए, यहां तक कि मां बच्चे नु घरों में कट देंदी है। अगर ए मां जेड़ी दुनिया दी मां है अगर सजा दे सकती है, ना फरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुस्ताखी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ओ ता मालिक है, ओ ता खालिक है, जेड़ा कानून बनाने वाला, जेड़ा दीन अता फरमान वाला, जेड़ा मां नूं मां बनाने वाला, जेड़ा मां नूं शाना देने वाला है, उस मालक दे नाल ऐसा कभी ना आखे, क्योंकि वो मां तू ज्यादा प्यार करता है। मैं जो मर्जी करता रहा, मैं गुनाह करता रहा, मैं चोरियां करता रहा, मैं धोखा करता रहा, मैं फरेब करता रहा, मैं दूसरों के हक खाता रहा, मैं झूठ बोलता रहा, मैं चोरियां करता रहा, मैं चुगलियां करता रहा, मैं बोहतान बांधता रहा, मैं जो मर्जी करा मैनु अजाब नहीं होगा। ऐसा ईमान वाले कदे ना सोचा जे, ईमान वाले हो अगर अजाब तू बचना जे, अपना ईमान सलामत कर लवो, अपना ईमान मजबूत कर लवो, अपने ईमान की हिफाजत कर लवो, अल्लाह अजाब भी नहीं देवेगा, अल्लाह जज़ावा भी अता फरमाएगा। खल्के कायनात ने कुरान मजीद फुरकाने हमीद इरशाद फरमाया, फरमाया वल्लजीना हाजरो फी सबीलिल्लाह सुम्मा कुतिलु औ मातु लयरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्कन हसना वइन्नल्लाहा लहुवा खैरुर राज़िकीन लयुदख़िलन्नहुम मुदख़लन यरदौना वइन्नल्लाहा लालीमुन हलीम। फरमाया ओ लोग जिन्ना ने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते ईमान लियांदा, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे अहकामात नूं मन्निया, उन्हां दे हुक्म नूं मन के जिन्हां ने हिजरत कीती अल्लाह दे रस्ते विच, अल्लाह दे रस्ते विच निकले, अपने आप नूं अल्लाह ताला दे हुक्म दे मुताबिक चलाया, सुम्मा कुतिलो उन्हां नूं शहीद कर दिता गया, या उन्हां नूं शहीद ना कीता गया, औ मातो उन्हां नूं वैसे मौत आ गई, उन्हां नूं मौत आ गई, दुनिया तो चले गए, अब कब्रां में चले गए ने। फरमाया कब्रां विच जान तो बाद वे ला यरज़ुकन्नहुम अल्लाहु रिज़्कन हसना, अल्लाह ताला उन्हां नूं जरूर हसीन तरीन रिज़्क अता फरमावेगा। अब जेड़े लोग कहंदे ने मर गया, मट्टी हो गया, खत्म हो गया, अल्लाह दा कुरान कह रहा है मर के मट्टी नहीं होंदा, मर के खत्म नहीं होंदा, मर के फरामोश नहीं हो जांदा। खल्के कायनात ने पहले फरमाया सुम्मा कुतिलो उन्हां नूं शहीद कीता गया, फिर फरमाया औ मातू याओ वैसे मर गए, एक है कि वो शहीद होया, शहीद के बारे तो वाते आ गया कि उन्हें मुर्दा ना आखो, मुर्दा ख्याल ना करो, जिंदा है, अल्लाह उसनू रिज़्क अता करता है। अब खल्के कायनात ने आम ईमान वाले जेड़े शहीद नहीं होंदे है ईमान वाले लेकिन वैसे मौत आ जाती है, उन्हां दा जिक्र फरमाया, फरमाया औ मातू या ओ मर गए, मरण तो बाद जो कब्र गए ने ला यरज़ुक
कन्नहुम अल्लाहु, अल्लाह ताला वैसे भी कह देंदा मैं उन्हां नूं रिज़क देवांगा, तो अल्लाह ताला दी बात ते यकीन करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने वादे दे खिलाफ नहीं जांदा, लेकिन खालिक ने नून शद वाला लाया, फरमाया ला यरज़ु कन्नहुम अल्लाहु, मैं उन्हां नूं जरूर रिजक देंगा। फरमाया उन्हां नूं पता चल जाए, जिहड़े कहंदे ने मर गया, खत्म हो गया, मट्टी हो गया, वह खत्म हो गया, कुछ नहीं रह गया। फरमाया जिहड़े मेरे वास्ते अपनियां जिंदगियां गुजारदे ने, जदों मर जांदे ने, मैं उन्हां नूं मरन नहीं देंदा, मैं उन्हां नूं जिंदा रखना वा। अगर मर गया है, मट्टी हो गया है, फिर रिजक किन्नू दिता जा रहा है? अगर रिजक आ रहा, बंदा मरिया पिया है, उसने की करना? पता चलिया अल्लाह अपने बंदियां नूं मरन नहीं देंदा, अल्लाह उन्हां नूं जिंदा भी रखदा है, अल्लाह उन्हां नूं रिज़्क भी अता करदा है। फरमाया ला युदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौना, अल्लाह ताला उन्हां नूं ऐसी जगह वे दाखिल फरमांदा है, ऐसे घर वे दाखिल फरमांदा है, जिन्नूं वेख के ओ राजी हो जांदे ने। हल्के कायनात ने एक और मकाम ते इरशाद फरमाया, फरमाया जड़े कहंदे ने कि कब्र विच अज़ाब नहीं होएगा, कयामत नूं जो होएगा वेख्या जाएगा, ऐसा ना सोचिया जे कब्र विच भी हिसाब देना पएगा, कब्र विच भी आमाल दा बदला देना पएगा। जदों इस दुनिया तों जाओगे, तुहाडे आमाल दा सिलसिला शुरू हो जाएगा, छिने तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरे आमाल कीते ने तो बुरा मिलेगा। हल्के कायनात ने कुराने मजीद फुरकाने हमीद दे विच हजरत मूसा अलैहि सलाम दा जिक्र फरमाया, फरमाया फबाकाहु अल्लाह सैयाद मा मकरू वहाका बि आल फिरौन सूअल अज़ाब। जदों सब नतीजा हल्के कायनात ने बयान फरमाया, तमाम वाकयात हो गए, जदों फिरौन गरक हो गया, अल्लाह ने उस वक्त दा जिक्र फरमाया, फरमाया असा अपने नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम नो फिरौन दे शर तू बचा लिया और फिरौनिया नू गरक कर दिता। अब वो गरक हो गए ने, वो डबो के मार दिते गए ने, जो हलाक हो गए, खत्म हो गए। हल्के कायनात ने फरमाया अन्नारो योरादूना अलैहा अशिया, अल्लाह ताला दी तरफों अल्लाह ताला दे फरिश्ते सुबह शाम उन्हां ते अग डाल देने, उन्हां ते सुबह शाम अल्लाह दा अज़ाब आंदा है। वयौमत कुमुस्सा, और जदों कयामत आएगी अल्लाह फरमाएगा अद खेलो आला फिरौना अशद्दल अज़ाब, आले फिरौन सख्त अज़ाब दाखिल हो जाओ, अब कयामत बाद चौनी है, सख्त अज़ाब बाद मिलना है। लेकिन जेड़ा हुन मिल रहा, पता चलिया कब्रां विच अज़ाब होना है, कब्रां विच पुछिया जाना है। ऐसा नहीं होना कि दुनिया ते जाओ कब्र विच कोई नहीं पुछेगा, जेड़ी हुई कयामत नूं वेखी जाएगे। ऐसा ना सोचे, अगर सोचना ही तां सोच, हुन सोच, तेरे कोल मौका है, ए दुनिया तू जा, ईमान लै के जा, अल्लाह तेरी कब्र नू जन्नत बना देवेगा। खालके कायनात ने कुराने मजीद फुरकाने हमीद विच इरशाद फरमाया, फरमाया वल्लज़ीना कुतिलो फी सबीलिल्लाहि फलन युदिल्ला आमालहुम, ओ लोग जेड़े अल्लाह दे रस्ते वे शहीद कर दिते जांदे ने, अल्लाह उन्हां दे आमाल जाया नहीं करदा, सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम, अल्लाह ताला उन्हां दी सलाह फरमांदा है, अल्लाह ताला उन्हां दे आमाल संवार देंदा है। वयुदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफा हालहुम, अल्लाह ताला उन्हां नूं जन्नत वे दाखला अता फरमा देंदा है। पता चलिया दुनिया तो गया, अगर नेक आमाल करके गया है, अपना ईमान बचा के ले गया, फरमाया इस दुनिया तू जाएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दा दाखला अता फरमा देगा। और भी बहुत सारी आयात ने जिन्हां विच खालके कायनात ने कब्र दे अज़ाब दा जिक्र फरमाया, आखरत दे अज़ाब दा जिक्र फरमाया,
आखिर कब्र तू डराया गया, आखिर अज़ाब तू डराया गया, खुशखबरियां सुनाइया गई, इनामात भी खाए गए, दसया गया। ए ईमान वाले अपना ईमान बचा लो, अज साडे ईमान कमजोर हो चुके, अस अपने आप नु कलमा पढ़ा के, कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया काफी है, असी कहने ना नमाज की जरूरत है, ना जकात की जरूरत है, ना मामलात की जरूरत है, ना दीन इस्लाम दिया बाकी चीज़ा नु समझन दी, ना पढ़न दी, ना जानन दी, ना अमल करन दी लोड़ है। ऐसा नहीं होना, बल्कि कायनात फरमाता है ए ईमान वाले हो, ए ईमान वाले हो, इस्लाम च पूरे दे पूरे दाखिल हो जावो। सिर्फ इस्लाम लान दे नाल गल नहीं बननी, इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आका अलैहिस्सलाम दे सहाबी रसूल हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हो बड़े मशहूर सहाबी रसूल ने, बहुत सारी अहादीस दे रावी ने, जिस वक्त नादा विसाल हो गया, विसाल हो गया, इन्हां दे विसाल ते हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया मेरा सहाबी जदों इन्हां दा विसाल होया, इह दुनिया तों गए ने, इन्हां दी रूह आसमाना ते गई है, इन्हां दी रूह नूं वेख के सारे अरशां वाले खुश हो गए ने। इन्नी शान वाला सहाबी है, साडा कोई जावे असीं रोने आ, अगर कोई नेक जावे अरश वाले खुश होंदे ने, इस्तकबाल करदे ने। बल्कि खालके कायनात ने कुरान मजीद फुरकाने हमीद उस विच इरशाद फरमाया, युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनु बिल कौल साबित बिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ओ लोग जेड़े ईमान वाले ने, अल्लाह उन्हां नूं दुनिया ते भी साबित कदम रखता है, अल्लाह उन्हां नूं आखरत दे विच भी साबित कदम रखता है। दुनिया तों जांदे ने, अल्लाह जान लग्या भी उन्दे ईमान दी हिफाजत करता है, जदों कब्र विच जांदा है सवालात जवाबात दे मौके ते भी अल्लाह खुद उन्दी मदद फरमांदा है। और खालके कायनात ने 28 सवारा सूरा वाकया उन्दे विच इरशाद फरमाया, फलौला इज़ा बलागतिल हुलकुम, जदों तू वेखे किसे बंदे दी जान उन्दे हलक विच आ गई है, वांतुम हीना इदिन तंदुरून, ओ तुहाडे लवेंदा पिया, तुसी उन्दे नूं वेख रहे हो, मौत जिहदी रूह है वो गले विच आ गई है, मौत सामने खड़ी है, वनहनु अकरबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, फरमाया तुहानू लगदा है असी इन्दे करीब हाँ, अल्लाह तुहाडे सारिआं तों दे करीब हुंदा है। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, तुसा कहंदे हो असीं बड़ी ताकत वाले हाँ, बड़ी पावर वाले हाँ, सानू कोई पुछेगा नहीं, कोई दसेगा नहीं, कोई अदाब नहीं, कोई कुछ नहीं, तर जिऊ ना हा, फरमाया मेरे हुक्म दे नाल इंदी रूह इंदे गले विच आ गई है, असीं निकार रहे हाँ, तुसा रोक सकते हो तां रोक लो, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। फअम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, फरमाया अगर जिंदी रूह निकल रही है अल्लाह दे करीबियां विच होवे, अल्लाह उंदा इस्तकबाल फरमांदा है, फरौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम, अल्लाह ताला उसनू खुशबुआ सुंघांदा है, अल्लाह ताला उसनू फुल्लां दे गजरे पेश फरमांदा है, अल्लाह ताला उसनू जन्नत दे बागां दा वारिस बना दिंदा है। इस आयत के तहत लिखा गया, जदों मोमिन की मौत का वक्त आता है, जदों मोमिन की मौत का वक्त आता है, फरिश्ते एक फुलां का हार लैके आते ने, और फुलां का हार लिया के उस मोमिन के सामने पेश कर देंगे ने। जिस वक्त उस हार फुलां का उनके करीब आता है, मोमिन उसकी खुशबू लैंदा है, जदों उसनू सुंघदा है उनकी रूह परवाद कर जाती है। हजरत साद बिन मुआद रदी अल्लाह ताला अन्हो आप भी मौत है, फरमाया अल्लाह सारा, अल्लाह का अरश खुश होया है, अल्लाह भी खुश होया है,
आप आका अलैहि सलातु वस्सलाम आप दा सहाबी है, गुसल दिता गया, कफन दिता गया, निमाज़े जनाजा पढ़ाई गई, हुजूर नाल तशरीफ लाए, जनाजे दे नाल दफन कर दिता गया। जब कब्र च दफन कर दिता गया, आका अलैहि सलातु वस्सलाम खड़े हो गए, आपने फरमाया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया सहाबा इकराम तुसी भी पढ़ो, ओना भी पढ़िया, अर्ज करते ने हुजूर वजह क्या है? फरमाया जदों आपा हजरत साद नु कबर विच दफन कीता है, आपा जा रहे सा, कबर ने इन्हां नु दबाया है, कबर ने इन्हां नु दबाया है, इन्ना दबाया है कि बाल दे बराबर कर दिता है। कबर दा आजाब आया, मैं वेखिया अल्लाह दी तस्बीह पढ़ी है, अल्लाह दा जिक्र कीता है, अल्लाह ने कबर दा आजाब दूर कर दिता, कबर वसी हो गए। फरमाया जान दियो इन्हां नु आजाब क्यों आया है? अर्ज करदे ने सुनिया असी नहीं जानते। फरमाया ए पेशाब दे कतरियां तू परहेज नहीं करदे सन, क्या खता है? साढ़े सामने कुछ भी नहीं है, साढ़े दोस्त सब कुछ करके चले जाते ने, अपने कपड़िया का ख्याल नहीं, पाकी पलीती का ख्याल नहीं, नमाज तो बाद की गल है, सारे मामलात पूरे करने वाले ने, छोटी जी कमी है, लेकिन अल्लाह ने वो भी छड़ी नहीं, अल्लाह दे हबीब ने छुपाई नहीं, दसिया है। फरमाया ए ना सोचिया जे असी कलमा पढ़ लिया असी मुसलमान हो गए, असी ईमान ले आंदा, असी जो मर्जी करदे रहिए जन्नत पक्की है। फरमाया एवें जन्नत नहीं मिलनी, जन्नत उदो मिलेगी जदो जंतियां वाले काम करोगे। इस वास्ते जेहड़े अल्लाह वाले ने, अल्लाह दे नेक बंदे ने, वो अल्लाह की इबादत भी करते ने, आज भी करते ने, इंकसारी भी करते ने, फरमाया के राती रोंदे करे करे जारी, ते नींद अखा थी रोंदे, ते नींद अखा थी धोंदे, फजरिया गनहार कहावल ते सब तू नीमिया होंदे।